ओके, ये यहाँ पे इनका छोटा सा घर है, और घर में जो स्पेशल चीज़ है यहाँ पे ना, केले का जो दरख्त है, ये केले का है, और यहाँ पे ये केले लगे हुए हैं। और ये केले जो हैं ये छोटे वाले, ये बड़े मीठे होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन बहुत मीठे होते हैं ये। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ है, पपाया, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, पपीता कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये देखिए ये पपाया का दरख्त है, शायद पंजाब या सिंध वाली साइड में हो, बट इतना आम नहीं है, मैंने पाकिस्तान में इतना आम नहीं देखा। इस्लामाबाद में कुछ शॉप्स पर ये सेल करते हैं, जो फ्रूट की शॉप्स होती हैं। और अभी ये इसमें से जो ग्रीन वाले हैं ये अभी रेडी नहीं है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। जो ये हल्का हल्का जिस तरह येलो होता है, ये वाला फिर निकाल के आप रख सकते हैं, तो ये फिर 3 दिन में 4 दिन में ये रेडी हो जाता है। जो ये येलो वाले हैं ये रेडी हैं, इसको आप उतार सकते हैं ऐसे जैसा लेसा ना दे, दे मारियो। अगर आप उतारेंगे नहीं तो ये फिर नीचे गिर जाते हैं, ख़राब हो जाता है, ये देखिए। वैसे अगर ज़्यादा दिन अगर आप छोड़ें उतार कर, फिर भी ये ख़राब हो जाता है इस तरह। तो ये येलो वाला जो है ये बिल्कुल रेडी है, इसको अभी उतारते हैं। ये जो येलो वाला है, तो वैसे काहिर ऐसा से काहिर नहीं, ये ना वा कोर्टर वा कोर्टर ला पपाया सुन दो नोकनिया सुन दो कोर्टर ला दो हमारी या está buenos todos। ये इसका छोटा सा साइज है और ये बिल्कुल छोटा है, ठीक है। ये इस तरह ये रेडी था, अगर उतारते नहीं है तो ये देखिए यहाँ से ये वाइट वाइट और ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट। ओके, ये आम का दरख्त है और अभी इसमें से देखें ये इसका निकल आया है फ्लावर्स। ये दिसंबर का महीना है अभी, मतलब ठंड का महीना है, इसमें फ्लावर निकल आते हैं जो फूल हैं, और फिर इसमें से फल निकलते हैं, और कहते हैं मार्च अप्रैल में ये रेडी हो जाता है। हमारे पास से क्या कहते हैं इसका अमरूद का दरख्त है। ये ऐसा इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर जो फल वगैरह निकलते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बारिश नहीं होती ज़्यादा, लेकिन ये अजीब सी बात है, आई थिंक ये यहाँ पे पानी लगाते रहते हैं खुद ही, तो काफ़ी ये मतलब फलदार दरख्त है। ओके जनाब, अभी जो मैंने पपाया का फल तोड़ा था तो वो मेरी सास ने काट कर ला दिया कि ट्राई करेंगे कैसा है, तो अभी चेक करते हैं कि कैसा है ये, इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है कि यहाँ की ज़मीन में निकलता है, ना सब पानी लगाते हैं ना कुछ, जस्ट अगर आप खाते हैं या जो उसके बीज होते हैं, बीज जो सीड्स जो ब्लैक वाले, तो वो आप कहीं भी फेंकते हैं ज़मीन पर तो वहाँ से ये इसका फल निकल आता है, दरख्त निकल आता है इसका। और ट्राई करते हैं अभी। सुपर दूर से बहुत मीठा है ये। ओके, इसके मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके, यहाँ पे जो कहा जाता है ये हेल्प करता है आपकी डाइजेस्टन में। अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है तो आप पपाया खाएं, सारा कुछ निकल आएगा। ओके जनाब, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं वॉलमार्ट इवाला में, और इवाला जो है ये स्टेट ऑफ गरेरो में है। स्टेट ऑफ गरेरो जो है वो वन ऑफ द जो कंसिडर किया जाता है कि जो डेंजरस स्टेट है, मतलब यहाँ पे ख़तरनाक स्टेट है, लेकिन है काफ़ी सारी जगह यहाँ घूमने फिरने के लिए,
और अभी हम यहाँ वॉलमार्ट आए हुए हैं, उसके बाद दिखाते हैं कौन सी और जगह जाते हैं और आपसे बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। ये जो शहर है इग्वाला का, थोड़ा सा डैमेज से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता, छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं यहाँ पे। अभी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से, और यहाँ पे एक ही प्लाज़ा है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है, और प्लाज़ा जो है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। वैसे भी हम जो है वो हलाल मिलते हैं, तो हलाल खाना यहाँ पर मिलता नहीं है। फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होती है वो होती है मैकडोनल्ड की, ठीक है। तो अभी मैंने मैकडोनल्ड से ये चिकन बर्गर की है और इसके साथ कोक है और तय चाय ग्रीन कलर में। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकते। हेलो गाइस, अगेन आपको बताता चलूँ, अभी तक हम यहीं पर ही हैं, इसी गांव में हैं, और आपको बताता हूँ कि गर्मी है और इसलिए हमने एसी ऑन किए हुए हैं। हाँ, हम आपको बताया था कि मैं यहाँ इग्वाला जो टाउन है वहाँ पर गए थे, कुछ पानी वगैरह लेके आए, ज़्यादातर पानी की बोतलें लेके आए, क्योंकि यहाँ पे पानी जो पीने वाला पानी है उसका थोड़ा मसला होता है कि यहाँ पे जो लोकल बनते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता, और जो घरों में यहाँ पे ट्यूबवेल वाला सिस्टम नहीं है ना, तो ये बाहर से परचेज़ करना पड़ता है खाना या पानी। सॉरी, इसको निकालते हैं क्या। और जो मेन चीज़ लानी थी वो रोटी के लिए एक ट्रॉली लेनी थी, जो चलाते हैं क्या कहते हैं उसको, कारियोला कहते हैं यहाँ पे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लिए और उसको अनबॉक्स कर। ओके, तो अभी माशाल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी। एक्चुअली यहाँ बाहर जो है गलियाँ वो सारी पक्की हैं, तो बजाय इसके कोई बंदा उसको उठा के घूमता रहे, तो ये छोटी सी जो कार होती है, ये ट्रॉली से कहते हैं, तो इसमें बेहतर है, वो बंदा भी तंग नहीं होता और बच्चे भी तंग नहीं होते, इस तरह घूमते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है यहाँ पर बेस्ट रहेगी बच्चों के लिए। तो अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये फिगर शायद आपने देखा हो, स्पेशली अगर मेक्सिको में कोई व्लॉग्स आपने देखे होंगे तो ये फ़ोटो आपने ज़रूर देखा होगा, ये जो मुजस्मा है मारिया का या मरियम अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पे ये इसको कहा जाता है रेना दे मेक्सिको, यानी क्वीन ऑफ मेक्सिको। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दें, जिस तरह के आप मैसेजेस करते हैं, जिस तरह की आप दुआएँ देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी बहुत बहुत खुशियाँ दें। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।